आप देख रहे हैं दबोस न्यूज, मैं हूं आपके साथ शमसुल होदा। इस वक्त हम नवहट्टा प्रखंड में हैं और नवहट्टा प्रखंड में नवहट्टा प्रमुख ने कृषि उप निदेशक को पत्र लिखा है और शिकायत दर्ज किया है, जिसमें पत्र में क्या क्या लिखे हैं अभी हम सीधे रूबरू होते हैं नवहट्टा प्रमुख शमीम अख्तर से। उन्होंने क्या कहा, उनकी बात सुने। पता लग गया किसानों का, बहुत सारे किसान हमारे पास समस्या लेकर के आए कि हम लोगों को कृषि इनपुट में जो है 20 से 25% सभी सम्यक जितने भी हैं कोऑर्डिनेटर वो मांग रहे हैं और लेते हैं। इससे पहले भी ओलावृष्टि वाला मूंग वाला जो हुआ था उसमें 20 से 25% सब किसान दिए, जो नहीं दे पाया उसको 1000 रुपया दिया गया या उसके फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया। वही रवैया अभी फिर दोबारा ये लोग कोऑर्डिनेटर लोग उठाए हुआ है। सभी कोऑर्डिनेटर का 4 से 5 दलाल पंचायत के अंदर घूम रहा है, कभी भी कोऑर्डिनेटर पंचायत के अंदर नहीं आया, किसी किसान से खुद फॉर्म नहीं लिया, न ही किसान सलाहकार लिया है और न ही वो प्रखंड कार्यालय में जहां उन बैठने का स्थान है कृषि भवन में वहां नहीं बैठ रहे हैं। आज तक एक भी किसान नहीं कह सकता कि हम वहां जाकर के फॉर्म जमा किए हैं, अपने घर पे रह करके ही और बिचौलियों के द्वारा ये सारा काम खेल रचा रहा है। दूसरा, यहाँ किसान को खाद की किल्लत हो रही है, कुछ दुकानदार जो है सो मनमाने ढंग से मनमाने रेट पर खाद बेच रहे हैं, या अगर मनमाने ढंग से पैसे नहीं दे रहे हैं तो उसको खाद नहीं मिल रहा है। किसान हाहाकार में है, फसल बर्बाद हो रहा है किसानों का। इस समस्या को लेकर के हम जो है सो कृषि उपनिदेशक को पत्र लिखे और खुद जा करके मिले हैं उनसे। अगर यह समस्या कोऑर्डिनेटर जो 20 से 25% ले रहा है इसकी जाँच नहीं हुई तो 1 सप्ताह के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन और एक किसान की रैली निकालेंगे, प्रखंड से होते हुए जिला तक हम लोग कुछ करेंगे। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि किसानों की फसल क्षतिपूर्ति अग्रसित के नाम पर सभी पंचायत के समन्वयक के द्वारा 20% अग्रिम राशि की मांग की जाती है। किसानों की भी बयान सुने। के थ्रू आता है, अपना नहीं आता है, कोऑर्डिनेटर को भी नहीं आया है, नहीं होती है बिचौलिया के तरह 2000-2500 रुपया लेकर के अभी तक पैसा भी नहीं खाता में आया है। पैसा तो दे दिए हैं, अभी तक पैसा भी नहीं आया है खाता में, यही समस्या है। फिर भी कह रहा है कि धान का क्षतिपूर्ति है वो भी देंगे, वो भी नहीं दिया है अभी तक। खाद की किल्लत क्या लग रहा है खाद तो में? यूरिया 400 रुपये में ऐसे बेचता है, ये एक जेब है बाल्टी कहता है कि वो लीजिएगा तब यूरिया देंगे, नहीं तो किसी तरह कहीं से 400 रुपये में देता है। अभी आते ही नहीं है और वो 20% के द्वारा जो है क्षतिपूर्ति की राशि देते हैं और पैसा अभी तक हम लोग के खाता में आया भी नहीं है। और पैसा कब आएगा नहीं आएगा, जब कहते हैं तो ये 26 तारीख के बाद हो जाएगा, ये हफ्ता में हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेटर साहब फिर नया धान वाला इनपुट में ले रहे हैं 2000 रुपया और वो कभी आए ही नहीं है पंचायत में।